रहुआ सबके हमार खास प्रोग्राम भोजपुरी गॉसिप्स में। ए प्रोग्राम में हम बताई ले भोजपुरी स्टार लोग से जुड़ल हर गॉसिपिंग भरल खबर के, जे रउआ सबके रखे के पड़ेला अपना कान में। मने ऐसन खबर जे रउआ सब इहाँ उहाँ से ना सुनेम, खाली इहाँ में से सुनम। तो चलिए शुरुआत कइल जाओ। हम हई ममता तिवारी, रउआ सब जानत हो कम कहे कि बहुत साल से रउआ सब से रिश्ता बनल बाटे। ऐसने हम आई ले आ तमाम खबर बताई ले आ रउआ सबके जानकारियों मिलत रहेला, रउआ सब खुश रहेनी। तो हम यही से आज कुछ ऐसने गॉसिप पिंग भरल खबर लेके फिर से हाजिर बानी, जेमें पहला खबर जुड़ल बाटे एगो ऐसन फिल्म से जेकर कुछ समय पहले गाना आयल रहे, जे रउआ सबके बहुत पसंद आयल रहे, दिल धड़के ला केहू के प्यार में। ई गाना रउआ सब बहुत पहले सुनले हुकम, बहुत लोकप्रिय गाना रहे, मोहन राठौर और पवन सिंह के आवाज़ में गाना रहे। अब ए गाना के फर्स्ट लाइन पे दिल धड़के ला केहू के प्यार में एगो फिल्म बने जाता, जिनमें सब नया नया कलाकार रउआ सबके देखे के मिली। आजकल बहुत सारा लोग के एंट्री हो गए बा इंडस्ट्री में, ना सिर्फ फिल्म स्टार लोग के बल्कि कई सारा फिल्म मेकर्स लोग के भी। अब वो फिल्म मेकर्स लोग सीक्वल बनावे पे ज़्यादा ध्यान देता, चाहे वो गाना के सीक्वल हो को चाहे वो फिल्म के सीक्वल हो को। पुराना पुराना गाना के लाइन पे फिल्म बनावल, पुराना पुराना चीज़ के वापस से लेकर आवल, जो दर्शक लोग के पसंद आई ई उम्मीद बाटे। हाल ही में ए फिल्म के मुहूर्त भयल जेकरा से जुड़ल कुछ खास खबर हम रउआ सब खातिर लेके आ चुकल बानी, देखी। इन दिनों भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में नए नए कलाकारों के साथ साथ नई नए फिल्म मेकर्स की भी एंट्री हो रही है, जो अच्छी अच्छी कहानियों पर अच्छी अच्छी फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं। एक ऐसी ही उम्दा फिल्म का निर्माण फिर से हो रहा है जिसका नाम है दिल धड़के ला केहू के प्यार में, जिसका मुहूर्त बड़े पैमाने पर महाराजगंज में किया गया है। एक खास बात और देखने को मिली कि इस फिल्म के मुहूर्त के दौरान फिल्म की टीम को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी फिल्म की शूटिंग के पहले इस तरह से मुहूर्त किया गया। इस शुभ अवसर पर फिल्म की पूरी टीम के साथ कुछ अतिथि के रूप में लोग मौजूद थे, जिनमें जयमंगल पांडे, कनौजिया, बलदेव सिंह, मनोज श्रीवास्तव आदि ने पूरी टीम को बधाई दी है। बता दें कि फिल्म धड़के ला केहू के प्यार में एक स्वस्थ, मनोरंजक, पूर्ण संपूर्ण पारिवारिक फिल्म का निर्माण किया जा रहा है, जिसके निर्माता दिनेश गोड़ और गीता श्रीवास्तव हैं। इस फिल्म के मुख्य कलाकारों में दिखाई देंगे कई सारे नए नए कलाकार, जैसे कृष्णा कुमार, श्याम श्रीवास्तव, दीपाली गांजरे, दीपक श्रीवास्तव। जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म की शूटिंग उत्तर प्रदेश स्थित जिला महाराजगंज के करमहा और अन्य मनोरम स्थलों पर शूटिंग की जा रही है। रितेश पांडे आजकल लोकप्रिय हो गए बड़े, ना सिर्फ अपन फिल्म खातिर बल्कि अपन स्टेज शो खातिर भी। उनका स्टेज शो दर्शक लोग में बहुत पसंद कर जाता, खाली लाइव देखला में ना, लाइव से तो दूर दूर से लोग आते बटे उनका सब स्टेज शो देखे खातिर, लेकिन अगर सोशल मीडिया चाहे यूट्यूब पर उनकर कोनो वीडियो स्टेज शो से जुड़ल आ जाओ तो ओकरो के लोग बहुत पसंद करेला लोग, काहे कि रितेश भी आजकल अपन बोली से अपन गीत से लोग के खूब मनोरंजन कर रहल बाड़े। आप पीछे नहीं खे छूटत उनकर दर्शक लोग के प्यार से आ ना छूटे के चाहिए। आजकल रितेश पांडे अपन एगो नया फिल्म के शूटिंग कर रहल बाड़े, जेका नाम बाटे राजा वेड्स रानी। एकर शूटिंग शुरू हो गल बा। ऐसे पहले रामकृष्ण बजरंगी के शूटिंग करत रहे हैं रितेश पांडे राकेश मिश्रा आ प्रिंस सिंह राजपूत का साथे मिलके, लेकिन अब वो एगो नया फिल्म के शूटिंग कर दिले बड़े, जेकर पहला लुक काफ़ी समय पहले वो सबके देखे के मिल चुकल हो कि, जेकरा के देखला के बाद सब कोई के तनु वेड्स मनु के याद आ गई हो कि, जो बॉलीवुड फिल्म रहे। ए फिल्म में कंगना रनौत के बहुत पसंद कर गए रहे, उनका साथे एक और बॉलीवुड के एक्टर रले हैं। ये फिल्म बहुत पसंद कर गल रहे ओ घर या सिनेमा घर में अच्छा कलेक्शन कैले रहे ले। लेकिन अब एकर भोजपुरी वर्जन अगर रहो सब देखेम लोग तो कैसन लागी, ये फिल्म बनला का बाद पता चली चाहे फिल्म रिलीजिंग का बाद पता चली, लेकिन फिलहाल जे जे शूटिंग के लुक वायरल होता, शूटिंग के क्लिप्स वायरल होता, फोटो वायरल होता, ओकरा के देखला के बाद सब कोई बहुत खुश बाटे, क्योंकि रानी के साथ है रितेश के जोड़ी बहुत अच्छा लाग रहल बा, बहुत अच्छा केमिस्ट्री फोटो में देखे पे लागल बा। तो जाहिर से बात भी फिल्म में भी उसे अच्छा निखर के आई, जब कहानी या बोली लोग आपस में बातचीत करी लोग तो कुछ बढ़िया तो निकल के आई भी न करी। तो देखी यही फिल्म की शूटिंग से जुड़ल ये खास खबर। भोजपुरी के सुपरस्टार रितेश पांडे इन दिनों बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, उनके हर गानों और स्टेज शो को लोग काफी पसंद करते हैं।
एक ऐसी ही फिल्म की शूटिंग रितेश इन दिनों कर रहे हैं भोजपुरी क्वीन रानी चटर्जी के साथ। तो रितेश के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लग चुकी है हमारे हाथ। वो ये है कि रितेश बहुत जल्द एक बेहतरीन फिल्म लेकर दर्शकों के बीच आ रही हैं, जिसका नाम है रानी वेड्स राजा। नाम के मुताबिक इस फिल्म में रानी हैं, जिनके फिल्मी राजा बनने वाले हैं रितेश पांडे। इस फिल्म की निर्मात्री वंदना गिरी हैं, जबकि निर्देशक होंगे प्रशांत कुमार। सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्म की हीरोइन रानी और नायक राजा हैं, जो फिल्म में एक गांव के मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। तो फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है, देखना दिलचस्प होने वाला है कि ये फिल्म लोगों को कितनी पसंद आती है। हाल ही में युवा स्टार प्रदीप पांडे चिंटू के एगो मोस्ट अवेटेड फिल्म के फर्स्ट लुक देखे के मिलल बा। ए फिल्म के नाम बाटे दुल्हीन चाही पाकिस्तान से 2, माने दुल्हीन चाहबे करी लेकिन पाकिस्तान से। एकर दूसर पार्ट बने जा रहल बा, बन चुकल बा, तभी नु फर्स्ट लुक देखे के मिलल बाटे। काहे कि फर्स्ट जे पार्ट रोलक हो ओकरा के बहुत प्यार मिलत रोलक। अब वही प्यार का पौला का बाद राजकुमार आर पांडे जे चिंटू के पिता हवे, वो एकर दूसर पार्ट बनावला के डिसीजन ले लें, जेकरा बाद चिंटू तैयार भइले फिल्म के शूटिंग हो गई बा। ए फिल्म के में देखे के मिली रउआ सबके कि चिंटू चार चार हीरोइन लोग का साथे नजर रहियन, एक ही फिल्म में चार चार हीरोइन आ एगो हीरो, तो कितना बढ़िया रही केमिस्ट्री, कितना बढ़िया रही जोड़ी, आ केकरा साथे चिंटू के लीड रोल में काम करे के मौका मिली, के बनी हन चिंटू के दुल्हीन, जेकरा के पाकिस्तान से लेके आई हैं चिंटू, ये देखल दिलचस्प होगी, जेकर इंतजार सब कोई के बा। लेकिन अब ही बता देवल चाहिम कि चिंटू के ए फर्स्ट लुक में रौद्र रूप देखे के मिलल बा, हे नहीं आई रौद्र रूप देखे के मिलल बा। तो ओइसने भी तो इंटरव्यू में अपन रौद्रे रूप दिखावे लें, जब देखो तब कभी मीडिया पर कभी लोग पर भड़कत नजर आ जाले। खैर हम यहाँ एक बात ई कहें कि रौद्र रूप ई फिल्मी हटे, जेकरा के देख के रवो सब डर जाएं, क्योंकि एक्शन अवतार में चिंटू पहला बार इतना ज्यादा एक्शन अवतार में नजर आई बढ़े, ऐसे पहले हूँ आई बढ़े, लेकिन एमे कुछ खास बाटे, कहे कि फिल्मों खास बा, बहुत बड़ा बजट के साथ बनल भैया। तो फिल्म कब रिलीज होता ई बाद में पता चली, लेकिन फिलहाल चिंटू का यही फिल्म से जुड़ा लेगो खास खबर हम रवो सब खातिर लेके आई बनी देखी। आजकल फिल्म दुल्हन चाही पाकिस्तान से 2 काफी चर्चा बटोर रहल भी है, दर्शक लोग के बीच भी ये फिल्म काफी पॉपुलर हो रहल भी है। जैसन कि रउआ सभी जानते बानी कि ये फिल्म के पोस्टर भी रिलीज हो चुकल बा, आ जल्दे एक ट्रेलर भी लोगन के देखे के मिली। लेकिन जौन बात काफी चर्चा में बा, वो बहुते खास बात बा। दरअसल ये फिल्म में लीड रोल में प्रदीप पांडे चिंटू नजर आ रहल बड़े, लेकिन ये फिल्म में 4 अदाकारा लोग बाड़ी लोग, जेकरा में बिग बॉस फेम मोनालिसा, सुभी शर्मा, गार्गी पंडित आ तनुश्री शामिल बा। लोग अब ई सवाल उठ रहल बा कि एगो हीरो आ 4 गो हीरोइन जौन की लोगन के बीच चर्चा के विषय बनल बा। बता दी कि ई फिल्म अब तक के सबसे महंगा बजट के फिल्म कहल जा रहल बा। अब कयास तो ये लगावल जा रहल बा कि ये फिल्म में चिंटू के एक्शन के साथे साथे जबरदस्त रोमांस भी देखे के मिले वाला बा। अगला खबर जुड़ल बाटे सुपरस्टार खेसारी लाल यादव से, जिनका स्टेज शो देखे खातिर इतना भीड़ जम जला कि का कहल जाओ, इतना दूर दूर से लोग अपन सब काम छोड़ के ऐसा लगेला कि खेसारी के स्टेज शो बढ़ले बाटे, कोनो काम होइले नहीं के चलल जाओ खेसारी के स्टेज शो में, एक के टिकट के बदला 4-5 लोग उठ के चल जाला। अब वहाँ इतना भीड़ हो जाला कि संभारे वाला लोग तंग हो जाओ, चाहे स्टेज शो बीच में बंद हो जाओ, लेकिन लोग वहाँ से ना जाए जबले खेसारी ना जाइ हम तबले। अब जाने जा कि कई सारा स्टेज शो में खेसारी बहुत ज़्यादा मनोरंजन करबे करे ले, लेकिन जब वो अपन डांसर लोग का साथे रोमांस करके चाहे मजाक करके दर्शक लोग के हंसावे ले, तब वो मनोरंजन के डबल डोज होला, काहे कि वही घड़िया दर्शक लोग के बहुत पसंद आवे ले। हाल ही में एगो स्टेज शो भइल बाटे जहाँ वो मैंने वो सब गाँव में देखले हम कि कोनो है नहीं आई पहले कोनो जब लड़का लड़की के भेष में स्टेज पर डांस करेला तर वो सब देखले हो हम कि ओकर अलग ही अंदाज होला, देखे में तनी मनी डरो लागेला। कुछ वैसा नहीं खेसारी के साथ भइल बाटे, एगो वीडियो आजकल यूट्यूब पे वायरल हो रहल बा जेमे डांसर लड़की ना बल्कि लड़का रल ख कोनो वो लड़की के भेष धारण करके डांस करत रल ख, लेकिन एको बार खेसारी का उनका साथे ना देखल गए, देखे में ऐसा लगल जैसे खेसारी डर रहल बने उनकरा से।
चाहे ऐसा कुछ कहे कि देखे में मेकअप हो इतना भयानक रहे कि का कहल जाओ। यूट्यूब पर ही वीडियो वायरल हो रहा बा, देखले बनी रहो सब अगर वीडियो तो देख लोगे कि पीछे इतना बेशुमार भीड़ कि का कहल जाओ। ऐसे पिछला एगो रहे स्टेज शो जहाँ वहाँ खेसारी अपन बाबूजी खातिर एगो गाना गए लें सब लोग का सामने, तुरंत गाना बना दे लें और तुरंत दर्शक लोग के सुना दे लें जो दर्शक लोग के बहुत पसंद आए। आ खेसारी का साथे साथे उनका बाबूजी हो वो स्टेज शो में सम्मानित तो भय रहे हैं। देखी आजकल खेसारी लाल यादव भोजपुरी में ही ना बल्कि सभी फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा के राख दिले बड़े आ लोगन के दिलो दिमाग पर छा चुकल बड़े। आ बच्चा जवान आ बूढ़ हर उम्र के लोग इनकर एक्टिंग आ गायकी के फैन बा। आ खेसारी भी अपना हर फैन के काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखेले आ साथे साथ वो अपन परिवार के बारे में भी बोलत नजर आ जाएले। आ ऐसने एगो वाक्या सामने आयल, बता दी कि अभी हाल में उनकर एक स्टेज शो रहे जेकरा में खेसारी के बहुत सारा फैंस लोग आयल रहे लोग। आ यही बीच खेसारी अपना पिताजी के याद कैले आ एगो गाना गैले जेकर बोल रहे खेसरिया आगे बढ़ल बा। अपन गांव के बुजुर्गन के आशीर्वाद से आए गाना के साथ वो अपन पिताजी के याद कैले आ कहले कि एगो चना बेचे वाला के बेटा एगो इतना बड़का स्टेज के मालिक बन गैल बा आ ये सब बुजुर्गन के आशीर्वाद ही बा। आ बता दी कि यह बात के सुन के खेसारी के हर एक फैन सुनकर दीवाना हो गई आ लोग काफी भावुक भी हो गए। तो ई रहे आज स्टार लोग से इंडस्ट्री से जुड़ल गॉसिपिंग भरल खबर। अगला बार फिर होके मुलाकात ऐसने ताजा तरीन गॉसिपिंग भरल खबर का साथ है। लेकिन रउआ लोग है नहीं आई कहीं मत जाएं लोग, देखत रही नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के। आज जे जे खबर हम बतौले बनी वो खाली अपना कान में रखे के बाद केहू से कहे के नहीं कहे कि एक गॉसिपिंग होला जे दो लोग का बीच में ही होला। तो अगला बार फिर होके मुलाकात ऐसा ही कुछ गॉसिपिंग भरल खबर का साथ है। लेकिन तब तक खातिर हमरा के दी इजाजत, प्रणाम। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करी और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।